यहाँ का तो बड़ा आराम से कट रहा है भैया, दिल्ली में तो कुल्हाड़ी से काट काट के परेशान हो जाता है। रात बज रहे हैं भाई, तो? रात की टाइम फुल होता है ये। पापा दूसरी मम्मी को वीडियो कॉल। पापा पहले Hey guys, welcome back to our channel Master Tuber. मैं हमेशा से एक डायलॉग बोलना चाहता था जब से मैंने मुन्ना भाई मूवी देखी थी। मुन्ना भाई लगे ना, मुन्ना भाई कौन सी? गुड मॉर्निंग मुंबई। आज तो कह सकते हैं, फाइनली मैं ये चीज कह सकता हूँ क्योंकि मैं मुंबई में हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6:30, 5:30 बजे घर में हल्ला मच रखा है और जुहू बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं और दिमाग खराब कर रखा है। मैं कह रहा हूँ 10 मिनट और सोने दो, 10 मिनट और सोने दो, पर मैं उठ गया। सनराइज देखना था, हाँ बाहर भी अंधेरा है अगर मान सकते हो तो, बाहर भी अंधेरा। उसके बाद हम जुहू बीच के लिए इसलिए जल्दी आ रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से ना वहाँ पे 9-10 बजे के आसपास पुलिस वाले पहुँच के ना हटाना स्टार्ट कर देते और खाली करवा देते बीच। तो इसलिए हमारा रात को प्लान था कि हम 6:30 बजे निकलेंगे, पर 6:30 तो बज चुके हैं, 15 मिनट के अंदर हम निकल लेंगे। A few moments later. Yeah, finally, मैं रेडी हूँ। नहाया तो नहीं मैं, क्या करूँ तो जल्दी सुबह उठ कर नहा के जू बीच से आने के बाद सोचा नहा लूंगा, अभी हाथ मुंह धो के काम चला लेंगे ये लेट बहुत हो रहे हैं। बाकी कैब बुक हो गई है, कमाक्षी रेडी है, शाय रेडी है, मम्मी भी रेडी है, खुशबू रेडी है, जीजा रेडी है, पापा रेडी है, सब रेडी है। चलो बेतू तब प्याला लग रहा है। चलो चलो चलो, क्रिस्टी ही रहेगी और वो क्रिस्टी को बाय चांस कौन क्रिस्टी को चुरा ले गया तो कोई नहीं, अभी लॉक करके जाएंगे। पिछली बार हम ले गए थे, बीच में से वॉमिट कर दिया था हमारे ऊपर। चलो क्रिस्टी बाय, चलो मिस यू, हम 2 घंटे वापस आ जाएंगे ठीक है। जू बीच चप्पल ठीक है, फ्लैट सी पहन लो, हील थोड़ी ना चलेगी। बाकी जुहू बीच और मरीन ड्राइव ये दो का ही नाम बहुत सुना तो सोचा आज इनके दर्शन भी कर लिए जाए। मुंबई जाके अगर इनके दर्शन नहीं गए तो क्या फायदा। चले चल 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 चल, हो गया चल 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 ना, मोटी छोड़ पिचका दिया। ये जो लोकेशन है जहाँ पे हम रह रहे हैं दीदी के यहाँ पे, तो इसका एड्रेस और इसकी मतलब कौन सी लोकेलिटी है दीदी ने अपने ब्लॉग्स में बता रखा है। तो इससे कल रात को 3-4 सब्सक्राइबर्स मिलने भी आ चुके हैं यहाँ पे हमें। सो स्वीट यार, मतलब इतने ध्यान से ब्लॉग देखते हैं लोग कि उन्हें पता भी है कि हम इस वक्त कहाँ स्टे कर रहे हैं दीदी के पास। बड़ा अच्छा लगता है जब आपसे कोई मिलने आता है। तो पापा बेटू आप और आप शाय, आप चले जाओ, कमाक्षी तू रुक जा, आप चले जाओ, आप चार चले जाओ। यहाँ पे भाई कैब से ही चलना अच्छा माना जाता है और यहाँ पर कैब्स इतनी सारी हैं, इतनी सारी कैब्स आपको 2-2 मिनट में कैब्स मिलती है। मैंने कैब बुक की वो गलती से उन्होंने खुद ही कैंसिल कर दी। मैंने नीचे आके देखा, अब एक कैब तो आ गई, मेरी वाली हो गई कैंसिल, तो दूसरी बुक की है वो 8 मिनट दिखा रहा है। तो हमने कहा वेट करने से अच्छा है कि आप चार निकल जाओ, मैं जीजा कमाक्षी हम रुके हुए जू बीच जाने के लिए, तो इधर से चलते हैं ना, जहाँ से आएगा उसी साइड से चलते हैं। गेट पर इधर लंबा पड़ेगा, इधर से निकलेंगे ना होगा तो चलो कैंसिल करके दूसरी कर लेंगे। टैक्सी खड़ी है, चलो ठीक है, बहुत खड़ी है, चलो चलो चलो। में आप लोगों का सबका स्वागत है, दिखाता हूँ जू बीच। यस, जो मुंबई रहता है उसे पता है जू बीच है, जो जो नहीं रहते हैं वो देख उनसे दिखाते हैं जू बीच। शायद याद आ जाओ जू बीच की। हाँ। मैं ये बोल रही हूँ याद ही नहीं अभी कुछ भी नहीं है। जू बीच पाए थे बेटू? सो गया बेटू? सो गया बेटू? सो गया मैं के साथ आई होगी। बेटू क्या कर रहा है? सो रहा है, क्या कर रहा है? सो दिए, सोगी। अरे सोने तो वो, उसको बोलो इतनी सी जिंदगी है, सोने भी नहीं देते। वाओ, पर इसकी रेत बहुत अलग है, शायद गोवा वाली रेत से ना। नहीं, काफी सिमिलर, मतलब नहीं यार है तो आसपास ही, लेकिन सिमिलर यार। भीड़ तो है यार, पर मतलब बहुत कम है जिस हिसाब से होती है। टाइम इतना 7 बज रहे हैं भाई, रात के टाइम फुल होता है ये। इतने सालों के बाद रेत में पैर धंस रहे हैं, मजा आ रहा है, गुद भी हो रही है। जाते सब मॉर्निंग वॉक ही कर रहे हैं ब्लॉगर आ गए। ओ यहाँ तो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं लोग यार। हाँ,
मैं भी खेलूं बोलूं भाई एक बार। खुशबू दीदी वहां पे अपनी चप्पल छोड़ आई, पता किस तरह गुस्से में चल रही मैं, पता किस तरह चप्पल छोड़ आई। हां ये नाइस चाल, नाइस नाइस शायद डुबकी नहीं लगा रहे जीत गए हैं आज, मैं आगे पानी पीछे, ये पानी मुझे क्यों परेशान कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटू जू बीच देख लो बेटू, मुझे दे दियो वो। बेटू जू बीच नहीं देखना आपको, उठ ही नहीं रहे बेटू, तो देख लो बीच पे खड़े हो बिल्कुल पानी में। मोनू इसे बाइशो पकड़ ही नहीं रहा, कह रहा मेरे को डर लग रहा है। तो पकड़ा ना जीजा, पकड़ना एक बार, एक बार पकड़ तो लो। अपने वाले को कैसे पकड़ोगे? हाँ अपने वाले को कैसे पकड़ोगे? ये वो नहीं होता कुछ। क्या डर के मैं गिर जाऊंगा, बेटी साथ में गिर जाएगी। गिरने जाए रात रात बच्चा देखते तो कैसे पकड़ते? गिलगिला जब नया न्यू वन होता है, गिलगिला होता है, नहीं पकड़ा जाएगा। क्या हो गया? इसकी रील्स खत्म नहीं हो रही लिटरली, बस 10 दिन से मुंबई में है ये। प्रॉब्लम क्या है तेरे को? मैं दिल बना रही हूं। हाँ वो दिल देख रहा था, तू सिर पे बना के खड़ी थी। अच्छा शायद इधर आना एक बार, बता ना सिर पे दिल बना के खड़ी थी। कमाक्षी की रील नहीं देखी थी इंस्टाग्राम पे, देखना सिर के ऊपर दिल बना के खड़ी हुई। हाँ ऐसे करके अच्छी थी, हाँ बहुत अच्छी थी। एक घंटा हंसी है, एक घंटा हंसी है ये देख के। देख जब तक कमाक्षी हो तूने पीछे से दिखाई दी अच्छी थी, जैसे सामने आई ना ऐसा लग रहा मटका लगी खड़ी सिर के ऊपर यार लिटरली। इसको देखो देखो हेलो क्या तुम क्या कर रहे हो पापा? अपने अपनी औलाद को समझा लो, पानी में डुबो दूंगी मैं इंसान को। मैं तो मान रहा हूं पक्के, मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूं। ओए ये इधर रील बनाओ, आ जा बना दे, आ रील बैठ खुद बड़े ब्लॉग देखी कहेगी पापा मैं तो उठी नहीं थी, मैं जू बीच देखा, मुझे दोबारा मुंबई घुमा। इसको पूरा वर्ल्ड घुमाएंगे। इनकी शादी को 5 साल हो चुकी लिटरली, पर इनकी वीडियोस खत्म नहीं हो रही है जब से आए। अरे तुमने क्या किया ड्रेस का, गीली कर ली, नहा ली, घर से नहाया थी। हमारा कैमरा भी था, हमारे पास हर चीज थी, पर फिर भी हमने एक फोटो प्रिंट कराई कि वो भैया थे वो पीछे ही पड़ गए थे, तो इसलिए हम फोटो अच्छी आई है और यादगार हो गई, यादगार मोमेंट है। तो हमने कहा अच्छा कोई नहीं, सुबह बोने का टाइम है तो एक क्लिक करा लेते हैं, फैमिली फोटो हमारी सबके साथ में एक ही फोटो और वो यही है। फ्रेम कराएंगे इधर, फ्रेम करूँ लग रही हूँ, सब अच्छे लग रहे हैं यार, मैं ज्यादा अच्छी लग रही हूं, नॉट बैड। तो जो भी फोटो आप देख रहे हो मेरे इंस्टाग्राम पे, जैसे बाल बिगड़े हो समझ लो ना भाई, सुबह नहाया तो हूं नहीं मैं, उठा हूं हाथ वाथ मारे और चल दिया हूं, तो इसलिए मेरे बाल खराब हो रखे हैं, छोटे बाल को सेट करना पड़ता है। हां नारियल पानी भी ले लेना, पर मैं पूछ रहा हूं पापा जी खाओगी? नहीं कुछ नहीं खाओगी, एक डाइटिंग थोड़ा कर सकते हो? नहीं कल खराब हो गई शायद, जितने बस डेडिकेशन चाहिए, मुंबई आके भी डाइट नहीं तोड़ रही है, इतनी डेडिकेशन मेरे अंदर नहीं है। एक बढ़िया मीठा सा नारियल पानी, यहाँ तो बड़ा आराम से कट रहा है भैया, दिल्ली में तो कुल्हाड़ी से काट काट के परेशान हो जाता है। हाँ चाकू से सही कर दिया एक सेकंड में। पिज्जा है? पिज्जा है, हाँ मैं पिज्जा खा लूँगा। कौन सा पिज्जा? मैंने तो सिर्फ दो पाव भाजी बोले। मेरा कुछ नहीं बोला, तू बोलेगा ना मीन यू आर यू नो दैट। मुझे क्या पता तू कौन सा पिज्जा खाएगा? पापा पापा दूसरी मम्मी को वीडियो कॉल कर। कहां पे कहां पे कहां पहुंचे हो पापा अकेले? वो देखो पापा क्या कर रहे हैं वहां पे अकेले। पापा मौज ना, किसी को दिखा रहे हैं समुद्र। तो वो आप देखो ना, आपने अंधा ट्रस्ट कर रखा है। हां इतना यकीन तो मैं माइंड में भी ना करूं। हम यहाँ पे जुहू बीच पे ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मैंने क्या ऑर्डर किया होगा, बहुत मुश्किल से मेरे को यू नो कल मैंने काफ़ी गलत खा लिया, गाजर खालवा भी खा लिया और ऑल, पर मैं अब वो गलत नहीं खाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने ऑर्डर किया है रवा प्लेन डोसा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर माइशु उठ गई है। माइशु आपको वो चाहिए? माइशु के लिए खरीद दिया भाई, माइशु के लिए खरीद दिया। आए माइशु देख ला, देखो माइशु अच्छा चाहिए आपको, पकड़ना है ले लो। चलो बाय, कहीं पे मिलेगा यहाँ पे इन पे बड़ा पाव?
करंट ड्राइव उधर ही मिल जाएगा, उधर ही मिल जाएगा। मैंने काफी हिंदी स्टार की सुनी है कि वड़ा पाव पे पूरे मुंबई जिंदा है, तो मेरे को वही ट्राई करनी है। वड़ा पाव उधर अपने वही मिल जाएगा, वही ना, तो वड़ा पाव मैं जरूर ट्राई करूंगा। बाकी पाव भाजी वगैरह तो दिल्ली में चलते हैं। इंडिया में जुगाड़ कुछ नहीं मिल रहा, फट गया कमाक्षी की एक चप्पल निकल चुकी है, कमाक्षी का जुगाड़ की दूसरी चप्पल भी ऐसे निकालूंगी। इसका सोल का है पर इसका सोल कुछ नहीं है इसमें बचा, ये सिर्फ नाम के तुम्हारे पैरों में ही, कुछ भी नहीं है इसमें। नाइस यार, दिस इज बीच चप्पल्स। One eternity later. हम दो लोग अलग अलग कैब में आए हैं अभी। माया की कैब में जीजू भी नहीं आई, अब जीजू की जॉब का टाइम है 11 बजे, उनकी शिफ्ट निकलेंगे। हम लोग अभी घर पहुँचा है भाई, फ्रेश होके सबसे पहले आराम करेंगे। सर घूम गया, 5:30 बजे के उठे हुए हैं और 2:30 बजे सोई थी मैं तो। सुबह 6:00 बजे यहाँ पे घुमा जा रहा हूँ। 5:30 बजे तुम उठे हो, 6 बजे के बाद। मैं तो 6:20 उठा था, पर मैं और जीजू पहले उठे थे। दो तो गिर चुके हैं, तीसरा अंदर गिर चुका, बाकी मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए। ब्लॉक में नहीं लग रहा है अब, इसका कंटिन्यूएशन में शाम को जाने वाले हैं। और मैं कौन सी कोलाबा मार्केट पास है, गेटवे ऑफ इंडिया कोलाबा वगैरह, वो जाएंगे अभी हम। स्ट्रीट शॉपिंग एक्चुअली, यहाँ स्ट्रीट शॉपिंग सबसे बड़ी, जैसे सरोजनी जन पता है, जैसे दिल्ली में सरोजनी है। हाँ सरोजनी मान लो। तो अभी मैं हम जा रहे सोने के लिए। बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। मुंबई व्लॉग्स, मुंबई व्लॉग्स, मुंबई। बाय गाइस।